वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम देखेंगे क्वेश्चन, इज इंडिया फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और मूविंग टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है क्या हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं या फिर हम मूव कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी पे, जहाँ पे सारी पावर्स एंड जारे राइट्स पार सब कुछ किसके ऊपर हो जाता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। इसका आंसर हमें लिखना है। तो पहले तो हम इसका इंट्रो डालेंगे, जो हमारा फॉर्मेट होता है इंट्रो, ठीक है। इंट्रो में क्यों ये न्यूज़ में आया, तो अभी रिसेंटली देखा गया कि कई पार्टीज जो है, जब पार्लियामेंट को न्यू पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करना था तो कई पार्टी जो है इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसका इनॉग्रेशन नहीं करेंगे। जब हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट को जो है एक पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किया किसने था, एग्जीक्यूटिव पार्ट, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो ये हम ऐसे न्यूज़ में वैसे जो भी हमारा न्यूज़ है वो डाल देंगे, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन आया है कि क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव पर मूव ऑन कर रहे हैं। फिर हम डालेंगे फीचर्स ऑफ, दो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया बट आपको ये पुट करना पड़ेगा कि फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, ठीक है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहा है, तो वो सारे इश्यूज हम पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे, फाइन। फिर उसके बाद हम डालेंगे वे, पहले तो कोई कमिटीज डालेंगे, ठीक है, कमिटीज के कुछ नाम डालेंगे कि उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, किस किस चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम डालेंगे वे फॉरवर्ड, एट लास्ट कंक्लूजन। तो ये हमारा एक फॉर्मेट निकल के आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्या है इंट्रो। तो मैंने बताया था रिसेंटली विद द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर रेज द इश्यू ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि जब प्राइम मिनिस्टर ने जो है पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया तो क्या इशू रेज हुआ कि पार्लियामेंट को जो है सबऑर्डिनेट किया जा रहा है, ठीक है, इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जबकि इसको कैसे करना था, चाहिए था प्रेसिडेंट को। फिर यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, द ग्रोइंग इररेलीवेंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट की जो इम्पॉर्टेंस थी वो जो खत्म हो रहा है वो किसी इंडिविजुअल के एक्शन से नहीं खत्म हो रहा है। वो क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि पार्लियामेंट को जो है सबऑर्डिनेट कर दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्ट्रक्चर फैसिलिटेट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेट करता और अनेबल्स करता है मार्जिनलाइजेशन, मतलब उसको पार्लियामेंट को जब है सबऑर्डिनेट करने का, एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन द डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव के हाथ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद ही इन पावर को जो है एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है बट क्या देखा जाता है कि हम यूनिटरी फॉलो करते हैं, मतलब मोर एंड पावर गोज टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका, एक हो गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर आपका स्पीकर, इस तरीके से जो ये सारी चीजें हैं क्या दिखाती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मूव कर रहा है टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव। तो ये दो लाइन आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर हम फीचर्स डालेंगे। अब आपको फीचर्स में इतना लिखना नहीं है, यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, दैट इज फीचर्स, और आप इस तरह भी बना सकते हो कुछ क्लाउड सा बना के, फीचर्स 1 2 3 4 5 6 7 जो भी फीचर्स है आप वो फीचर्स सारे दिखा दोगे फ्लो चार्ट में,
और हमेशा याद रखिए कि एक पेज में, फर्स्ट पेज में अगर आप एक फ्लो चार्ट बना दिए हैं तो उस पेज में आपका सेकेंड फ्लो चार्ट नहीं बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि दूसरा अगर आपको फ्लो चार्ट किसी आंसर्स में यूज करना है तो आप उसे सेकेंड पेज पे मेंशन करोगे। चलिए फीचर्स देखते हैं। एक तो हमारा क्या है पार्लियामेंट का फीचर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या है इसका, एक तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट्री, की गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा किसका, लोकसभा का। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, मतलब कि डेस्पोटिज्म मतलब होता है कि जिसे नेपोटिज्म होता है, ये डेस्पोटिज्म मतलब कर लेंगे कि हम चाह, मतलब वो होता है ना कि लाइक एक जैसे कि डेस्पोटिज्म मीन्स आपका हो गया कि हमें मन किया तो हम बन गए और नहीं मन किया तो नहीं बने, मतलब हमारी इच्छाओं पे बन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें नहीं है, क्योंकि इसे कौन इलेक्ट करती है, पीपल्स। और पीपल जब इलेक्ट करती है तो वो उन जिसको वो सही समझती है वो उसको इलेक्ट करती है, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब सारे ही रिलीजन के, कास्ट के सभी लोग जो है इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव, तो दोनों ही होता है, ठीक है। नॉमिनल हमारा हो गया प्रेसिडेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव आपका हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर मेजोरिटी पार्टी रूल होता है कि सबसे ज्यादा वोट्स जिसको मिलेंगे वो पावर में आएगा। फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो अगर पूछा जाता है कि लोकसभा का लीडरशिप किसके पास होता है या फिर राज्यसभा का, तो प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा का है तो वो वहां का लीडर होगा, और अगर लोकसभा का है तो वो वहां पे लीडर होगा। आई होप आई एम क्लियर। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, अब इश्यूज देख लेते हैं, ठीक है। पहला इश्यू है बिल्स जो है वो मिनिमल और नो डेलिब्रेशन, पास ही नहीं होते, मतलब कमिटी को भेजना होता है तो वो नहीं भेजते कमिटी को। अगर उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में तो वो क्या करते हैं, उसी के साथ अपना पास करवा देते हैं बिल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट के जो सिटिंग्स होती है ना वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, डे बाय डे कम होती जा रही है, ठीक है, कम हो रही है। और क्या हो सकता है, पार्लियामेंट में रकस बहुत ज्यादा है, मतलब डिसरप्शंस बहुत ज्यादा ही है पार्लियामेंट में। तो जैसे कि कोई हुआ, जिन्होंने क्या किया, किसी ने पेपर फेंकना शुरू कर दिया, फिर पार्लियामेंट में स्लोगन स्टार्ट हो जाता है, एंटी स्लोगन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये जो होते हैं रकस जो है क्रिएट हो रहा है पार्लियामेंट, आप ये पॉइंट्स भी डाल सकते हो। फिर पार्लियामेंट्री सेशन जो है ऑफिस एडजर्न कर दी जाती है, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी रकस वगैरह हुआ तो अगर, या फिर अगर जो हमारे रूलिंग पार्टी है उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या किया जाता है, क्यों उस पार्लियामेंट सेशन को है जो है एडजर्न कर देती है स्पीकर, ठीक है। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हैव बिकम अ पैरेलल इफ नॉट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग। तो पहले क्या होता था कि जब भी लॉ बनाया जाता था बिल्स जो है दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होता था, राइट। लेकिन अभी क्या होता है कि कोई भी जरूरत पड़ी और कुछ भी पड़ी तो सीधे गवर्नमेंट की ये फॉल्ट, ये चीजें ना आए कि हमें राज्यसभा और लोकसभा से अपना बिल पास करवाना पड़े, टाइम टेकिंग ना हो, तो वो क्या करती है ऑर्डिनेंस उसकी जगह पास करवा देती है प्रेसिडेंट से, ठीक है। जो कि क्या है, ये एंटी डेमोक्रेसी का पार्ट है, क्योंकि अगर मेंबर्स है राज्यसभा में और पार्लियामेंट में तो उसको कौन लेकर आया है, लेकर तो लोग ही आए हैं ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे डाले। तो आप अगर कोई भी बिल बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो दोनों ही सेशन में जाना चाहिए, तब पास होना चाहिए, तब कोई बिल जो है लॉ बनना चाहिए। लेकिन ये मेथड क्या होता है कि वो बाईपास कर देते हैं और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास करवा देते हैं, आर्टिकल 123। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट विद इन पार्लियामेंट हैज बीन स्टैम्प्ड आउट बाय वर्च्यू ऑफ द 10th शेड्यूल। तो इसका क्या मतलब है, इंट्रा पार्टी मतलब विद इन द पार्टी, इंट्रा पार्टी मीन्स विद इन द पार्टी। क्या होता है कि हम जैसे कि कोई पार्टी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप उसके मेंबर हो,
आपकी कुछ पॉलिसीज उस पार्टी की अच्छी नहीं लगी, वो गवर्नमेंट में है और आपको जो है उसके कुछ पॉलिसीज अच्छे नहीं लगे, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप उसे क्रिटिसाइज करोगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आप पे चलाया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत आपको क्या करना होगा, या तो आप रिजाइन करोगे या तो फिर आपकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है उस सेशंस के लिए। तो इसीलिए आप क्रिटिसाइज भी उनके पॉलिसीज को नहीं कर सकते, जो कि ये एंटी डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या आता है देखते हैं, नेक्स्ट है द मैनर ऑफ प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किस प्रोसीडिंग कब होना है, क्या टाइमिंग होगी प्रोसीडिंग्स की, कब की जाएगी, सब कौन डिसाइड करता है, ये एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करती है। दिख रहा है ना कि कैसे हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रही है। सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। तो जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है कि कब कितने दिन तक चलेगी, कितने कब से स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग होगी, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, हमारा एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द हाउस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कोई भी चीज नहीं बनाया है कि जिससे हमारा जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है उनको कोई भी पावर मिले पार्लियामेंट में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जो पावर प्रोवाइड करे पॉलिटिकल अपोजिशंस को अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट में है उनके अगेंस्ट में। तो ये सारे पॉइंट्स आप, आई होप आपको क्लियर है, सारे ही पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं किस तरह के, किस तरीके से शोकेस कर रहे हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो मूव कर रहा है एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी की तरफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकर इज नॉट इंडिपेंडेंट। अब स्पीकर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं, क्योंकि वो किसी पार्टी से ही बनता है, ठीक है। और अगर स्पीकर आ भी जाता है तो अपनी पार्टी को एक तो सोच छोड़ता नहीं है, एंड देन वो क्या करता है, उसका जो बायसनेस रहता है वो अपनी पार्टी की तरफ रहता है। तो कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई क्वेश्चंस लेके आती है तो वो क्या करता है, अपोजिशन पार्टी अगर कोई क्वेश्चंस लेके आती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो वो क्या करता है, या तो सेशन को ही खत्म कर देता है, या तो प्रोटेक्ट करता है कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए और इनके जो क्वेश्चंस है उसको आंसर्स ना करना पड़े, ठीक है। देखिए, एक्टिंग पार्टीजन मैनर इन ऑर्डर टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर इंटरेस्ट ऑफ द हाउस। मतलब इस तरह से काम करता है कि जो एग्जीक्यूटिव का है उसे जो उस इंटरेस्ट को ऊपर रखता है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट पॉइंट, नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अपर हाउस ऑन मनी बिल। तो अब देखिए, मनी बिल, कोई भी बिल अगर मनी बिल कह दी जाती है, और ये पार किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है, डिक्लेयरिंग अ बिल वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट। तो अगर कोई भी बिल को मनी बिल कह दिया जाता है तो वो क्या करता है, राज्यसभा से उसका पावर खत्म हो जाता है, उसमें कुछ भी अमेंड करने को या फिर उसको रिजेक्ट करने का पावर जो है राज्यसभा के पास से खत्म हो जाता है। तो उसी को बोला गया है नॉक ऑन इफेक्ट। चलिए अब सजेशंस देखते हैं, क्या क्या सजेशंस है कि जिससे ये इम्प्रूव हो सकता है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बनाया गया था, इन्होंने बोला कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लिमिटेड रखना चाहिए कि कहाँ पे, अगर जैसे कि हर चीज में डिस्क्वालिफाई नहीं, अगर कोई आपके आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है दैट डजेंट मीन कि आप उनको डिस्क्वालिफाई कर दो, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर कोई मेंबर, किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर कोई मेंबर वॉलेंटरीली अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहा है, हाँ, एंड अ मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, और वोट नहीं कर रहा है अपनी पार्टी के फेवर में, वोट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि आप उसे डिस्क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। द इश्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करना चाहिए, स्पीकर नहीं बल्कि कौन, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे जो है कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर।
अब इसी प्रकार इसी तरह जो हमारे जीवी मावलांकर थे जो कि फर्स्ट स्पीकर थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक कोई पर्सन इलेक्ट होता है एज ए स्पीकर, वो अपनी पार्टीज को ही शुड राइज अबव पार्टी, ठीक है, मतलब अपने पॉलिटिक्स और अपनी पार्टी से अबव उसको सोचना पड़ेगा, या तो ही शुड बिलोंग्स टू, या तो वो सारे ही जो भी सारे मेंबर्स हैं ये डिस्क्रिमिनेट ना करें वो स्पीकर कि हम इस पार्टी के हैं तो इसके फेवर में ज़्यादा काम करेंगे, या इस पार्टी के फेवर में है तो इनके लिए काम नहीं करें, इस तरीके से या तो वो सारे मेंबर्स को बिलोंग करें या तो फिर वो किसी को भी बिलोंग नहीं करें। और एक इसका क्या दिया जाता है कि जैसे ब्रिटेन में होता है, आप ये भी डाल सकते हो, ब्रिटेन में कैसे होता है कि जब कोई स्पीकर इलेक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी पार्टी से जो है रिजाइन कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो बिल्कुल ही किसी के भी फेवर में काम नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब वे फॉरवर्ड देख लेंगे। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंड इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, देखा जा रहा है कि कंसर्न रेज किया जा रहा है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शनिंग को लेकर, और जो पब्लिक का ट्रस्ट जो है पार्लियामेंट पे जो खत्म हो रहा है, तो इसके लिए हम सब कुछ रिफॉर्म्स ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि क्या क्या और आगे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में एक तो पार्टीज नीड टू एंश्योर कि जो अटेंडेंस हो पार्लियामेंट का वो एटलीस्ट 50% हो, ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटर हैं उनमें से 50% जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहे, ऑल थ्रू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बाय अडॉप्टिंग अ रोस्टर सिस्टम। जैसे रोस्टर सिस्टम कहाँ और देखा गया है, हमारा जुडिशरी में देखा जाता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है इसमें भी वही रोस्टर सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, और जो सिटिंग्स हैं वो क्या करना चाहिए, 50% होना ही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नेक्स्ट थिंग रिव्यू, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि एंटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और फिर से देखना चाहिए कि क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। व्हिप सिस्टम है उसको रिव्यू करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर व्हिप सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने कोई व्हिप सिस्टम में होता है कि कोई पार्टी है उसने कुछ एडवाइस जारी किया, ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए, और उनमें से अगर कोई एक मेंबर उस बात को नहीं मानता है तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है स्टार्ट हो जाता है, प्रोसीड कर देते हैं। तो यही है कि हमें व्हिप सिस्टम को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपर हाउस एक्ट एज द रिवाइजिंग चैम्बर, और अपर हाउस जो है किस तरह काम करता है, एक कोई बिल आता है तो वो ठीक है वो लोकसभा में पास हो गया, ठीक है, लोकसभा में। अब जब राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उनकी मेजोरिटी है, ठीक है, जो रूलिंग पार्लियामेंट है, बाय केस यहाँ पे उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो ये क्या एक रिवाइजिंग चैम्बर की तरह काम करेगा कि हाँ इस बिल में जो चीजें हैं वो क्या सही है क्या नहीं सही, क्या वो इंटरेस्ट में है लोगों की कि इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी बिल वगैरह, तो इसीलिए जो है अपर हाउस को जो है कोई भी बिल अगर पास कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो अपर हाउस को जो है आपको बाईपास नहीं करना चाहिए। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट, द अपोजिशन इटसेल्फ इज ग्रांटेड सर्टेन राइट्स इन पार्लियामेंट। तो अपोजिशन को भी जो है पार्लियामेंट में कुछ राइट्स देना चाहिए, एंड सर्टेन लिमिटेड कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। और पार्लियामेंट्री जैसे कि सब कुछ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एग्जीक्यूटिव जो कि हमारी गवर्नमेंट होती है, राइट। तो यहाँ कहा गया एक तो उनको पार्लियामेंट में कुछ राइट ग्रांट्स करना चाहिए और लिमिटेड कंट्रोल होना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे कि किस तरह काम करना है, किस तरह पार्लियामेंट चलेगी किस तरह नहीं चलेगी, इन ऑर्डर टू पब्लिकली होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर इनको सर्टेन राइट्स दिए जाएंगे तो जो है इससे जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या अकाउंटेबली काम करेगी, अकाउंटेबल रहेगी हर चीज़ों के लिए, ठीक है। एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ लेजिस्लेटर विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो इस पर भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं वो क्या है क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के, तो इस प्रॉब्लम पे भी काम करना चाहिए।
गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिव टू अपोजिशन एंड अपोजिशन टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कंस्ट्रक्टिव. तो गवर्नमेंट को क्या, अगर कोई क्वेश्चन अपोजिशन पार्टी लेके आती है ये पब्लिक इंटरेस्ट में, वो कोई भी बात ऐसा करती है, तो गवर्नमेंट को क्या है, रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्स करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, और अपोजिशंस को भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिल जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है तो वो उसे भी बाईपास करे, इस तरह से नहीं करना चाहिए. अपोजिशन और गवर्नमेंट को, दोनों को क्या करना चाहिए, एक साथ मिलके काम करना चाहिए फॉर द फेवरेबल ऑफ द सोसाइटी, फॉर द फेवर ऑफ द सोसाइटी एंड कंस्ट्रक्टिव वाइल रिजॉर्टिंग टू अवेलेबल पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. मतलब यहाँ पे एक तो हो गया पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, जो कि इन चीजों को सही कर सकती है, और एडजर्नमेंट मोशन हो जाता है जिसमें आप अपोजिशन जो है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है. स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी. अभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव कोई भी बिल आता है बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी, वो क्या करती है, बिल दोनों ही जगह पे पास करवा देती है, बैठे दिस राज्यसभा और लोकसभा. तो यहाँ पे क्या किया, कहा गया है कि जो भी आपके बिल्स है ना वो पहले पार्लियामेंट्री कमिटी को दो, वो उसको बिल को देखे और उसमें जो भी प्रो और कॉन्स है उसको वो निकाल के लाए, तब उसके बाद आप किसी बिल को पास करवाओ. आप इसमें एक डेटा लिख सकते हो कि पहले तो अभी सिर्फ और सिर्फ 29 जो है बिल्स ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट्री कमिटी को गए हैं, अगर हम देखें ये 2019 से आई थिंक, तो सिर्फ 29 बिल ही ऐसे हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटी के पास गए हुए हैं. तो इस चीजों को भी क्या है, आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट का तो रोल ही खत्म होता चला जा रहा है बिल्कुल, राइट. देन नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव आर मेंट टू रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर. तो क्या देखा जाता है, जो इंटरेस्ट है पार्लियामेंट का अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव वो कौन रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर. स्पीकर को क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कि वो किसी के फेवर में रहकर काम करे, जैसे कि हमारे जीवी ममलांकर ने भी ये चीज कही थी. नेक्स्ट आपका कंक्लूजन आ जाता है, एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट इज सेंट्रल टू द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उसका डेमोक्रेसी का पार्ट है, एंड वॉज एजाइंड अ पाइवोटल रोल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक. येट सो मैनी डिकेड्स लेटर इट हैज नीदर इन्वॉल्व. मतलब देखा गया है बहुत सारे सालों में, इन सालों में ना ही ये इवॉल्व हुआ है पार्लियामेंट और ना ही मेच्योर हुआ है एज इट कुड माइट और शुड हैव. इफ एनीथिंग स्लोली बट श्योरली इट हैज डिमिनिश्ड इन द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस. तो देखा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है. जबकि क्या होना चाहिए था, इसे और ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे कही गई है. नेक्स्ट, इनडीड इट इज नाउ मोर अ सिंबल देन अ सब्सटेंस. अब ये क्या, पार्लियामेंट एक तरह का सिंबल ही देखा जा रहा है, जैसे कि होता है ना कि हम किसी स्टैच्यू को लगा दिए तो एक स्टैच्यू की तरह ही उसको देखा जा रहा है, ना कि सब्सटेंस की तरह ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दैट हैज टेकन डीप रूट्स अमंग आवर पीपल. द टाइम हैज कम फॉर सिटीजन होम ही रिप्रेजेंट टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस. अब टाइम क्या आ गया है कि लोग जो है उसके परफॉर्मेंस को जो है इवेलुएट करें, ठीक है. तो ये आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन आप अपने आप से भी डाल सकते हो. और इसमें अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के आपको पूछ लिया जाए कि मतलब पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट डेमोक्रेसी किस तरह से खत्म हो रही है, तो भी आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो. ये इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट कैसे खत्म हो रहा है, या फिर मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस आंसर से सॉल्व हो सकते हैं. रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में है, उस तरीके से आप आंसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है. तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन एंड देन फीचर्स हो गए. फीचर्स में आप क्या करोगे, सिर्फ आपको फ्लो चार्ट बनाना रहेगा, पूरा लिखना नहीं रहेगा. फिर इश्यू आप सारे डालोगे, ठीक है, एंड देन आपके सजेशंस हो गए, एंड देन वे फॉरवर्ड,
कंक्लूजन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद इट। थैंक यू।